ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की नींव कांग्रेस सरकार के द्वारा रखी गई थी, लेकिन इसको धरातल पर नहीं उतार पाई। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना में महत्वपूर्ण बदलाव के बाद इसे धरातल पर उतारी गई। 15 अगस्त 2014 को सबसे पहले लाल किले की ऐतिहासिक स्थल से इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की जाती है और 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ होता है। बाकायदा इस योजना का औपचारिक शुभारंभ से पहले 7.25 लाख बैंकों को प्रधानमंत्री के द्वारा ईमेल भेजे जाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि 40% परिवार बैंक व्यवस्था से बाहर है इस देश के। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हर परिवार का बैंक खाता हो, हर किसी को बैंक की सुविधा मिले, इसको राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित की जाती है। 7.5 करोड़ परिवार को जनधन योजना में शामिल किया जाए और हर परिवार में 2 बैंक खाते हो, यानी आप कह सकते हैं कि 15 करोड़ खाते खोलने के लिए सभी बैंक कमर कस लेती है। पहले ही दिन 60,000 शिविर लगाकर 1.5 करोड़ खाते खोले जाते हैं। अब तक 40 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं और इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपये भी जमा किए गए। इसके दूसरे चरण में क्रेडिट गारंटी फंड, सूक्ष्म बीमा, दुर्गम क्षेत्र, पर्वतीय जनजातियों को भी शामिल किया गया। अब हम जानेंगे महत्वाकांक्षी जनधन योजना के लाभ। जनधन लाभार्थी को क्या क्या मिलने वाला है। पहला, 1 लाख की दुर्घटना बीमा। साथ में मिलेगा एटीएम कार्ड, इससे आप शॉपिंग और किसी भी एटीएम से आप पैसों की निकासी कर सकते हैं। दूसरा लाभ, अगर आपका खाता 15 अगस्त 2014 और 26 जनवरी 2015 के बीच खोला गया हो तो 30,000 का अतिरिक्त बीमा, जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। तीसरा लाभ, अगर बैंक के मुताबिक आप खाते का संचालन करेंगे तो 6 माह के बाद 5,000 बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, इसे बढ़ाकर अब 10,000 तक कर दी गई है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके खाते में पैसा हो या नहीं हो, आप 10,000 तक की निकासी कर सकते हैं, जिससे आपको अपने दुख मुसीबत और साहूकार के जाल में फंसने से आप बच सकते हैं, जो आप हल्की पल्की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप 2,000-3,000 की जो पैसे की ज़रूरत के लिए आप किसी से सूद में पैसा लेना पड़ता था, अब वो आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस ज़रूरत को पूरा करेंगे। चौथा लाभ, 0 बैलेंस में खाता खोला भी जाएगा और ये खाता चलता रहेगा। इस खाते में 500 या 1,000 रुपया रखने की कोई ज़रूरत नहीं। पांचवा लाभ, सरकार के द्वारा किसी भी योजना का लाभार्थी आप बनते हैं तो सीधी योजना की राशि आपके खाते में आएगी, इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। दोस्तों, गौरतलब है कि अब हम देखेंगे कि जनधन योजना का लाभ हम कैसे प्राप्त करें। अगर आपके पास पुराना बैंक खाता है तो आप अपने शाखा में जाकर जनधन का फार्म भरकर खाता को परिवर्तन कर सकते हैं। आप एक से अधिक खाता खोलकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ 10 वर्ष से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को ही मिलेगा। जनधन खाता खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जॉब कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल इत्यादि में से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना कि बैंक ओवरड्राफ्ट का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपका खाता आपके आधार नंबर से लिंक हो, मोबाइल नंबर से लिंक हो। अगर
आपका खाता आधार नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक ना हो तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, जनधन योजना गरीब मजदूर किसान को मद्देनज़र रखते हुए इसमें लाभ का प्रावधान किया गया है, तो इसके कुछ नियम और शर्त भी हैं। पहला, इस खाते में आप 1 लाख से अधिक राशि आप नहीं रख सकते हैं। दूसरा, एक बार में 50,000 तक की राशि जमा भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा, 10,000 रुपये की निकासी एक बार में कर सकते हैं और ये महीना में 4 बार कर सकते हैं। पांचवा बार अगर आप निकासी करेंगे तो बैंक शुल्क के रूप में कुछ पैसे काट लिए जाएंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी को देखते हुए जनधन महिला लाभार्थियों को 1500 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया था, जिसका लाभ जनधन महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति किस्त के रूप में पिछले साल मिला भी था। वाकई में ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है गरीब मजदूर किसान लाचार लोगों के लिए। अगली वीडियो में गांव-गांव जाकर आप सबको दिखाएंगे कि कितने लोगों को इसका लाभ मिला, कितने लोग वंचित हैं और किनको इनका लाभ चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके घंटी बजा दीजिए, ताकि दोस्तों मेरा अगला वीडियो जो ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे वो आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, लोगों को इस जनधन योजना के बारे में बताना है। जहाँ तक कोशिश हो, मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को इसका लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत।